अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और आप लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और मैंने आज बहुत लेट अपने ब्लॉग की शुरुआत की है क्योंकि कुछ मेहमान आ गए थे घर में, इसी वजह से मैं अपनी वीडियो शूट बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि 10 काम रहते हैं। जब कोई अपने घर में आ जाता है तो उनको भी देखना रहता है, ज़्यादा अपन वीडियो शूट करेंगे तो वो ये सोचेंगे कि देखो कैसे वीडियो में लगी हैं, हमें नहीं देख रही हैं, हम इतनी दूर से आए हैं कि हमसे बात कर लें या बैठे उठे, इसलिए मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो फिर मैं अपने खाना आना बनाने में लग गई थी, बातें करने में लग गई, उनको भी देखना पड़ता है। तो मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। और हमारा आरज भी अभी पेपर दे के आया हुआ है, आज उसका मैथ का पेपर था। और फिर मैंने सारा काम अपना निपटा दिया है, ये देखो अब मैं फ्री हो गई हूँ बिल्कुल। पूरी सारी किचन का काम करके और पूरी क्लीन कर दी है मैंने किचन, ये देखो। और फिर मैं काम से फ्री हुई तो सिलाई के कपड़े डालने आ गई थी अंजुम भाभी, जो हमारे बगल से रहती हैं बिल्कुल, तो वो सिलाई के कपड़े लाई थी। तो फिर मैंने बोला कि जल्दी तो नहीं चाहिए, वो बोलने लगी कि नहीं जल्दी नहीं चाहिए मुझे, फिर भी सी देना, गरम सूट थे। बैठ जाए पहले फिर बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी कटिंग करने आई हूँ जस्ट अभी। ये देखो ये दो सूट हैं, ये उन्होंने ऑनलाइन मंगाए हुए हैं सूट गरम सर्दियों के हिसाब से। अब मैं सूट की कटिंग कर लेती हूँ, बच्चे मेरे बाहर खेल रहे हैं और मैं काम से फ्री हो गई हूँ। मैं अभी कपड़े वॉश कर कर आई हूँ नीचे, और पहले मैं कपड़ों की कटिंग कर लूँ, जिससे कटिंग हो जाएगी तो फिर उनको सिलना भी रहता है। और सर्दी का टाइम है, काम करते करते ही घर का ही काम करती हूँ, उसमें भी मुझे टाइम बहुत हो जाता है क्योंकि नीचे वाले रूम की करनी है क्लीनिंग पूरे की, और फिर ऊपर वाले की भी करनी है। ऊपर वाले में किचन साथ में है तो फैलावा ज़्यादा हो जाता है, उसको समेटते समेटते ही मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है। और मैं काम में लगी रहती हूँ तो मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाती। अब जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं वीडियो शूट करती हूँ, और मुझे अब टाइम मिला है, मैंने अब अपनी वीडियो की शुरुआत की है। अब देखती हूँ मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू कब तक रहती हूँ और कहाँ तक रहती हूँ, कहाँ तक मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाती हूँ। चलिए तो पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ, बातें बहुत हो चुकी हैं, ज़्यादा बातें अच्छी नहीं रहती, ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए तो पहले मैं कटिंग कर लूँ। और सर्दी का टाइम है, दिन बहुत ही छोटे छोटे से दिन है, पता नहीं चलता कि कब दिन ढल गया। हाल मॉर्निंग हो जाती है और नाइट हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। चलिए तो पहले मैं कटिंग कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। पहले तो मैं इसका कुर्ता काट लेती हूँ, ये देखिए ये बहुत अच्छा फैब्रिक है, ये गरम सूट है, ये देखो। चलिए तो मैं पहले कट कर लूँ कपड़ों को, फिर आप लोगों से बात करूँगी। और ज़मीन बहुत ठंडी हो रखी है इसलिए मैं ये बिछा के बैठी हूँ। चलिए तो फिर थोड़ी देर से मिलती हूँ। तो मेरे सूटों की कटिंग हो चुकी है, अब मैं आप लोगों से शाम के टाइम मिलूंगी। मैं अभी काम से फ्री हुई हूँ जस्ट, शाम का टाइम हो गया है, मैं सिलाई कर कर फ्री हो गई हूँ। मैंने 4 बजे तक कपड़े सिले जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे कटिंग करते हुए, उसमें से एक सूट सिल गया है। फिर शाम का टाइम हो गया, हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर अब मैंने चाय बनाई, चाय बना के बच्चों को दी, हस्बैंड को दी और मैंने भी पी। और अब मैं खाना बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ मेथी आलू। अच्छा मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, मेथी आलू बना रही हूँ मैं। ये हमारी मेथी,
ये है हमारे आलू। आज हरी मिर्ची का एंड हो गया था इसलिए मैं खड़ी मिर्ची की बना रही हूँ मेथी आलू। ये मेरा लहसुन रखा है कटा हुआ, और बच्चों के लिए मैंने अंडे भी बॉईल कर लिए हैं, और थोड़े से चावल बनाऊंगी। जो मेरी मटर आलू की सब्जी रखी है वो उसमें डाल के हम खाएंगे। ये मेरा ऑयल भी गर्म हो गया है, और ये देखिए कौन आया है, कौन है? ये है मेरा छोटू। क्या चाहिए? अंडा। आटो हम दे, आटो बेटा ऑयल गरम रखा है उधर। इसको पहले हम अंडा दे देते हैं। तो साबुत खाना है तो फिर अभी गरम है, ठंडा हो जाएगा जब खाना। छील देती हूँ ठीक है। हाँ पहले सलाम करो। चला लेता। और कह रही है सो सिपार पड़ गए नहीं आज। अच्छा गंदे बच्चे हो गए तुम आज। आज ये सोते रहे, ये गंदा लड़का सोता रहा इसलिए सिपारे पढ़ने नहीं गया। चलिए तो पहले मैं इसके इसको ये ठंडे हो जाए तो मैं छील के दे देती हूँ, फिर ये खा लेगा जिससे। चलिए हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, देखो धुआं निकल रहा है। हम पहले सब्जी छोक देते हैं। और ये देखिए मेरे बच्चे खेल रहे हैं कमरे में, और मैं वहीं पर अपना सूट की सिलाई करना स्टार्ट करती हूँ। और ये देखिए जो मैंने अभी दिखाया था आपको आगे, वो मैंने सूट कट कर लिए थे अच्छे से, और कटिंग हो गई थी। फिर मैंने अपने पैरदान को अच्छे से साफ़ किया है, क्लीन किया है। और ये देखिए मैं कुर्सी पर बैठ के सिलाई करती हूँ जिससे मुझे अच्छी सपोर्ट मिलती है, मैं उस पर टिक भी जाती हूँ। और ये देखिए उनके सूट मुझे जल्दी देना थे इसी वजह से मैंने जल्दी से उनको कट किए हैं, और बच्चों को नहलाया है धुला के काम से फ्री होकर अब मैं सिलाई पे बैठूंगी। और ये वीडियो मेरा आरिस शूट कर रहा है, छोटी सी क्लिप थी जो उसने ही शूट कर दी थी अच्छे से, और बोल रहा था कि मम्मी मैं शूट कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और ये देखो मैं सूट सिलने भी बैठ गई हूँ, मैं सिलाई करके बहुत लेट उठी हुई थी। चलिए तो मैं काम से फ्री हो गई हूँ और मेरा खाना भी रेडी हो गया है, मेथी आलू। और चलिए मैं अब इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऐड करना जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहा करे। और मेरे चैनल पर जो भी नए आए हुए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आप लोगों के साथ में बहुत जल्द बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलती हूँ। और एक कमेंट ज़रूर करना मेरे लिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है आपके कमेंट से। चलिए तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और काफ़ी बात हो चुकी है, अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। एक कमेंट ज़रूर करना, और ये देखो ये कैसे खेल ला, देखो जिनकी गाड़ी है और जो चल रही है ऐसे ही खेलता रहता है, टाइम पास करता रहता है। अभी पढ़ के आया है ये। चलिए तो अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखना। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ में होंगी, बहुत जल्द मिलूंगी। बाय बाय।